आज हम तीसरी इकाई के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुवैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगी, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अवधारणा जिसका उपयोग पैसा बनाने के लिए किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि किस अवधारणा के आधार पर हम पैसा बना सकते हैं। आपके विकल्प है उद्यमितीय गुण, लक्ष्य व व्यावसायिक विचार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा व्यावसायिक विचार। एक व्यावसायिक विचार को आप व्यवसाय में तब्दील करके उससे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि व्यावसायिक विचार को अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाता है, व्यावसायिक अवसर, व्यावसायिक योजना, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सही की जवाब है व्यावसायिक अवसर। व्यावसायिक विचार वो होता है जो हमारे दिमाग में आता है कि हम उसके आधार पर एक बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन व्यावसायिक अवसर वो होता है जो सच में हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। तीसरा प्रश्न है व्यापार अवसर की गहन समीक्षा को क्या कहते हैं, व्यावसायिक योजना, अवसर मूल्यांकन, व्यवहार्यता अध्ययन या उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब है अवसर मूल्यांकन। कोई भी व्यापार अवसर है उसका मूल्यांकन करते हैं कि उस अवसर को हम अपना सकते हैं हमें। फिर चौथा है विपणन के कितने स्तर हैं, एक दो तीन या चार, तीन स्तर हैं। पहला तो आंतरिक, दूसरा बाहरी सूक्ष्म और तीसरा बाहरी स्थूल या बड़ा। फिर है व्यवहार्यता अध्ययन एक नियंत्रित प्रक्रिया है, सही या गलत। तो सही, हम किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन को करते हैं तो उसमें सारी ये चीजों को नियंत्रित करके रखते हैं। व्यवहार्यता अध्ययन व्यावसायिक योजना के बाद बनाया जाता है, सही या गलत। गलत, व्यवहार्यता अध्ययन पहले बनता है, उसके आधार पर हम व्यावसायिक योजना बनाते हैं। फिर है व्यावसायिक योजना के निष्पादन का उद्यम की सफलता से कोई योगदान नहीं होता, सही या गलत। तो गलत, हम व्यावसायिक योजना जितनी अच्छी बना लें, जितना अच्छा प्लान बना लें, लेकिन अगर उस पर अच्छे से अमल नहीं करें, उसको व्यवहार में ठीक से नहीं लाएं, तो हमारा सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा, विफल हो जाएगा। फिर है उद्यमिता विकास में समाज और परिवार की अहम भूमिका होती है, सही। समाज और परिवार काफी एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं। व्यावसायिक विचारों के बारे में कौन कौन सी भ्रांतियां हैं उनका स्पष्टीकरण करें। पहले हमें बतानी है कौन कौन से ख्याल हैं, कौन कौन से विचार हैं जो कि गलत हैं, और वो गलत क्यों है, उसका सही जवाब क्या होगा, असल तथ्य क्या है, ये देखते हैं। पहले कि महान विचार कहीं से भी प्रकट होते हैं, ये चीज बहुत लोगों के मन में होती है कि किसी को भी एक बड़ा विचार कुछ भी देख के मिल जाता है, लेकिन सच तो ये कि उद्यमिता के लिए विचार का सृजन एक विवेकशील और तर्कयुक्त पद्धति से सभी तथ्यों का विश्लेषण करके किया जाता है। हम ऐसे ही कि कुछ भी देख के एक बिजनेस प्लान नहीं कर सकते हैं, सारी चीजों को हमें एनालाइज करना होगा, सारी चीजों को विश्लेषण करना होगा। दूसरा, कोई भी विचार बिना तर्क के नहीं होते, गलत है। बहुत सारे लोगों के अंदर अतिरिक्त आत्मविश्वास होता है, कुछ ज्यादा ही खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो इसमें वो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं कि किस चीज का क्या परिणाम होगा। तो ऐसे में तर्कपूर्ण और बुद्धिशील विचार नहीं भी आ सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि हर दूसरा व्यक्ति एक सफल उद्यमी होता है। बहुत से व्यावसायिक विचार ऐसे होते हैं जो फायदा तो दूर उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं, घाटा देते हैं। तीसरा है कि महान विचार पैदा करना समस्या नहीं, उन्हें लागू करना समस्या। मतलब महान विचार को
क्रियान्वित करना मुश्किल है, लेकिन उससे पहले हम एक अच्छा विचार पहले ढूंढ लेंगे। ये एक काफी बड़ी हमारे यहाँ की चुनौती है। दूसरा प्रश्न, अवसर मूल्यांकन किसे कहते हैं? किसी चार पहलू के बारे में बताएं। किसी भी व्यापार अवसर की गहन समीक्षा जो हम करते हैं उसे अवसर मूल्यांकन कहते हैं। पहले व्यावसायिक योजना बनाते हैं और उसके बाद हर पहलू की उसमें जांच करते हैं। जो पहलू, जैसे अवसर के विकास में कितना समय होगा, कौन कौन से कानूनी दायित्व के मुद्दे होंगे, प्रवेश में क्या क्या अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी, और प्रतिस्पर्धी का विश्लेषण। तीसरा, व्यवहार्यता अधीन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के हैं। पहला, बाजार की व्यवहार्यता, देखते हैं कि जिस ग्राहक समूह को हम चुन रहे हैं उन तक हमारे लिए पहुंचना संभव है कि नहीं, उन्हें हमारा उत्पाद पसंद आएगा या नहीं, उनकी सारी जरूरतों को हम पूरा कर पाएंगे या नहीं। तकनीकी व्यवहार्यता, जितने हमें हमारे पास पर्याप्त तकनीकी संसाधन है सारी चीजों को करने के लिए, वो है या नहीं। वित्तीय व्यवहार्यता हमें बताती है कि हमारे लिए अपने उद्यम के लिए पैसे जुटाना संभव होगा या नहीं, किस स्रोत से हम पैसे लेंगे, कितने पैसे उठा पाएंगे। फिर संगठनात्मक व्यवहार्यता से हम ये पता चलता है कि जो हम संगठन बना रहे हैं उसका क्या रूप है, जैसे एकल स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, साझेदारी होगी या कंपनी होगी। तो चौथा है, व्यावसायिक योजना किसे कहते हैं? हम जब भी एक नया उद्यम शामिल करते हैं तो उसमें जितने भी तत्व हैं सबका एक लिखित सारांश होता है। ये बताते हैं कि व्यवसाय के लक्ष्य जो भी हैं उनको पूरा करने में संसाधनों का कैसे प्रयोग होगा, तो उसी चीज ये बताते हैं कि जो भी प्रगति हो रही है उसका क्या मापदंड होगा, उसे कैसे हम मापेंगे। अब है कि व्यवहार्यता अध्ययन और व्यावसायिक योजना के बीच क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले है, व्यवहार्यता अध्ययन ये निर्धारित करता है कि कोई भी विचार जो है उसे अमल करना संभव है या नहीं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो क्या सच में हो सकता भी है या नहीं। उसके बाद हम व्यवसाय योजना बनाएंगे जो कि बताता है कि व्यापार का जो संचालन होगा उसको करने के लिए जितने भी संसाधन हम इकट्ठे करेंगे वो सब कैसे होगा। व्यवहार्यता अध्ययन पहले बनाया जाता है, व्यवसाय योजना उसके बाद बनाया जाता है। व्यवहार्यता अध्ययन व्यवसाय योजना में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हम देखेंगे कि कोई भी बिजनेस आइडिया व्यवहारिक है कि नहीं, प्रैक्टिकल है या नहीं, उसके बाद हम बिजनेस प्लान बनाएंगे, व्यवसाय योजना बनाएंगे। लेकिन व्यवहार्यता अध्ययन में किसी व्यवसाय योजना को तब्दील नहीं किया। अब हम निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले विचार सृजन के कितने तरीके होते हैं? पहले वातावरण की जांच, आपके आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे काफी अच्छे विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। लोगों की पसंद नापसंद, सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक बदलाव सब पे हक नजर रखेंगे तो जो भी मौका हमारे पास आएगा उसका हम फायदा उठा सकते हैं। फिर है समस्या का रचनात्मक समाधान। किसी भी समस्या को अगर हम दृष्टिकोण अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसके लिए हम नए नए समाधान ढूंढ सकते हैं। इस तरह से हम नए व्यावसायिक विचार भी मिल सकते हैं जिसके बलबूते पे हम एक उद्यम शुरू कर सकते हैं। तीसरा, बुद्धिशीलता यानी कि हम सबके साथ मिलकर एक आइडिया निकालेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग इंग्लिश में कहते हैं। अलग अलग विशेषज्ञ मिलकर नए नए व्यावसायिक विचार खोजते हैं, सब एक नवाचार से भरा विचार उत्पन्न करते हैं, उससे सफल उद्यम शुरू होता है। चौथा है फोकस समूह, ये उन लोगों का एक समूह है जो किसी भी उत्पाद या सेवा के बारे में अपने विचार
करते हैं। इसमें एक संचालक भी रहता है जो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का बराबर मौका देता है। फिर बाजार अनुसंधान हम करते हैं, जो पहले से उत्पाद या सेवाएं हैं उनके बारे में हम पता करते हैं मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। इसमें पूरे बाजार का गहन अध्ययन होता है और किसी भी उत्पाद या सेवा की क्या मांग है, क्या पूर्ति है, स्थिति के बारे में पता चल सकता है। विपणन पर्यावरण क्या होता है, उसके तीन समूह के बारे में बताएं। विपणन पर्यावरण उन कारकों के समूह को बोला जाता है जो हमारी विपणन गतिविधियों को प्रभावित करती हो। इसके तीन स्तर हैं। पहला आंतरिक वातावरण, उद्यम के सीधे नियंत्रण में जो चीजें हैं जो जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, वो बिजनेस इससे जुड़े फैसले ले सकता है। बहुत सारे विभाग, प्रबंधन विभाग, वित्त है, अनुसंधान और विकास, व्यवसाय संचालन। बाहरी सूक्ष्म वातावरण, बाहरी वातावरण लेकिन सूक्ष्म छोटा, इसमें ज्यादातर ग्राहक होते हैं, साझेदार होते हैं और हमारे प्रतियोगी कॉम्पिटिटर होते हैं। इन सारी चीजों पे उद्यम का पूरा नियंत्रण नहीं होता, एक सीमा तक ही हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। बाहरी बड़ा वातावरण, इसमें हर वो चीज होती है जो एक उद्यम बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। लोगों की जनसंख्या संबंधी जानकारी है, जैसे आबादी कितनी है, लोगों की आयु कितनी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारी प्राकृतिक ताकत क्या क्या होती है, जैसे हाल में कोरोना आया और फिर कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आती है, सूखा आता है, फिर तकनीकी परिवर्तन जो होते हैं, राजनीति और सांस्कृतिक कार्य शामिल, राज सियासत की क्या हालत है, फिर लोगों की संस्कृति, उनका कल्चर कैसा है। व्यवहारिता अध्ययन किसे कहते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि एक नियंत्रित प्रक्रिया जिसमें हम सभी समस्याओं और अवसरों की पहचान करते हैं, फिर हम एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, परिस्थितियों का वर्णन करते हैं, तभी जो भी विकल्प उनसे जुड़ी लागतों और लाभ का आकलन करते हैं, कितना हमारा पैसा लगेगा, कितना हमको नफा होगा, कितना नुकसान होगा। की विशेषताएं हैं कि किसी भी विचार को अमल करना कितना संभव है उसका अध्ययन करने में मदद करता है। तो पता चलता है कि कोई भी व्यवसाय तो करना संभव है या नहीं। व्यापक अध्ययन एक होता है जिसे पूरे व्यवसाय की संरचना जरूरत जैसे को देखा जाता है। सीमित या परियोजना व्यवहार्यता अध्ययन किसी एक विशिष्ट कार्य, कार्यक्रम, विचार या समस्या को देखता, किसी एक पहलू को देखता है, किसी भी व्यावसायिक विचार के फायदे और नुकसान दोनों देखकर संभावित समस्या का निवारण किया जाता है। एक व्यावसायिक योजना नहीं है लेकिन उसकी नींव रखता है, इसके बेसिस पे हम एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं। एक विपणन योजना नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है कि तुम कहाँ से पैसे इकट्ठा करेंगे, लेकिन बाजार के बारे में हम अगर पता करके रखेंगे तो सॉरी मार्केटिंग प्लान नहीं है, लेकिन बाजार के बारे में पता करके रखेंगे तो हम अपनी विपणन रणनीतियों को इसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं। फिर ऋण या पूंजी मांगते समय निवेशक के सामने पेश करना जरूरी है। निवेशक आपसे रिपोर्ट मांगेंगे कि आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, क्या आपने देखा है कि उसे अमल करना संभव है या नहीं। व्यवसाय योजना के क्या क्या तत्व हैं। पहला है हमारा क्या उद्देश्य है, हम अपने उद्यम के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं। व्यापार योजना के तत्व पर
में पहले आता है उद्देश्य, हम किस लिए हमारा अस्तित्व है और हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये सब हमारे उद्देश्य के अंतर्गत आता है। हमारी जो रणनीतियां हैं, हमारे सामने जो सारी चुनौतियां आएंगी उसके सामना करने के लिए हम क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे, कैसे हम उनका सामना करेंगे। फिर बाजार खंड, जिस ग्राहक समूह को अपने उद्यम के द्वारा उत्पाद या सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं उन्हें ग्राहक समूह कहते हैं। हम दुनिया के बाजार के किस हिस्से की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। प्रदान किए जाने वाले उत्पाद और सेवाएं, हम जो भी उत्पाद बेच रहे हैं सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उसी के आधार पर सारा व्यवसाय योजना बनेगा। बिक्री का पूर्वानुमान, हमारी आगे कितनी बिक्री होने वाली है, अभी क्या क्या सिचुएशन आ सकते हैं, उसके आधार पे अब बिक्री का पहले से कुछ अनुमान करके रखेंगे और वो किस तरीके से हम करेंगे ये भी व्यावसायिक योजना में शामिल होता है। वितरण प्रणाली, हम मध्यस्थों का सहारा लेंगे या फिर खुद की दुकानों या शाखाओं द्वारा काम करेंगे, ये भी सोचना होगा। फिर प्रचार गतिविधियां, हम अपने उद्यम का प्रचार प्रसार किस तरह से करेंगे, बिक्री का क्या प्रक्रिया होगा। फिर मूल्य निर्धारण निर्णय, किस तरह से हम अपनी सेवाओं का दाम डिसाइड करेंगे, उत्पादों का सेवाओं का, जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं उसके उत्पादन में, उन सबको हम अपने कीमत तय करने में इस्तेमाल करते हैं। तो व्यापार योजना निष्पादन की प्रक्रिया के बारे में बताएं। व्यापार योजना निष्पादन होता है कि हमने जो भी व्यवसायिक विचार बनाया उसको कैसे हम अमल करेंगे। सबसे पहले आता है मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करना, ऐसे लक्ष्य जिन्हें हम माप सकते हैं संख्याओं में, जैसे कितना मुनाफा कमाना है, कितने प्रतिशत बाजार को हमें कैप्चर करना है, कितने देशों में अपने उद्यम स्थापित करने हैं। फिर संगठन का मूल्यांकन, क्या हम अकेले एक खोलना चाह रहे हैं अपना बिजनेस, क्या किसी साझेदार के साथ या किसी कंपनी के रूप में। प्रमाणन, प्रमुख पहल, सबसे शुरुआती क्या क्या कदम होंगे, जरूरी लाइसेंस प्राप्त करना, फिर बहुत सारी कानूनी कार्रवाई आती है, फिर बजट हम तय करेंगे सारी चीजों का, जिसका अभी लेखा जोखा जितना होगा सब देखेंगे। फिर संचार प्रणाली हमारी, कौन किससे संपर्क करेगा और किस माध्यम से, का निर्णय करना भी बहुत आवश्यक है। फिर समीक्षा प्रक्रिया, हमारी जो सारा काम हो जाता है तो हमें ये भी देखना होगा कि जो काम हमने किया है वो हमारे तय किए हुए लक्ष्यों के हिसाब से है या नहीं। एक उद्यमी के विकास में समाज और परिवार की क्या भूमिका होती है। समाज और परिवार की बहुत अहम भूमिका होती है। सबसे पहले वो लोग हमें उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन देते हैं, तभी हम एक उद्यमी बन पाते हैं। हमारे परिवार से, हमारे माता पिता से, फिर उसके बाद लोगों से आर्थिक और नैतिक समर्थन मिलता है, परिवार के सदस्य और मित्र में लोन देते हैं और बढ़ावा देते हैं, फिर हमें एडवाइस भी देते हैं। इस समाज में भी हमें सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा अपना उद्यम स्थापित करने में काफी मदद मिलती है, जैसे कि बहुत सारे एनजीओ होते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं या फिर बताते हैं कि कहाँ से पैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं। फिर समाज जो हमें स्वीकृति देता है, एक्सेप्टेंस देता है, इसका मतलब यह है कि हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदते हैं लोग, कस्टमर अपनाते हैं, फिर आपूर्ति करते हैं, सप्लायर को हमें सामान देते हैं, फिर बैंक है और वित्तीय संस्थाएं हैं वो हमें पैसे देती हैं,
बहुत सारी संस्थाएं जो हमें मार्गदर्शन देती हैं, सारी चीजें काफी मायने रखती हैं। तो ये हम इस इकाई के अंत में आ गए, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे।